बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, ये फाइनल वीडियो है आप लोगों के लिए 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का पेपर। जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ें आपने अच्छे से रिवाइज करके जाननी है। देखिएगा, आप लोग 40-45 प्लस मार्क्स ले लोगे ईजिली सिर्फ इन चीज़ों को रिवाइज करके। तो पहली चीज़ जो आपने तैयार करनी है वो है 10 नंबर के एम सी क्यूज़। जिस बच्चे के ठीक हो जाते हैं, 9 या 10 ठीक हो जाते हैं, वो बच्चा वैसे ही 45 प्लस मार्क्स ले लेता है। अब एमसीक्यूज आपने तैयार कहाँ से करने हैं? पहली चीज़, आपने बुक में जो भी एमसीक्यूज दिए हैं, तकरीबन हर चैप्टर में को 5-5, 6-6 हैं, वो आपने रिवाइज करने हैं। उनमें से 3 या 4 आएंगे, बाकी एमसीक्यूज आते हैं बुक के अंदर से या पास्ट पेपर से। तो जो एमसीक्यूज का गेस्ट पेपर है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आप लोगों के एमसीक्यूज 10 नंबर जो है वो कन्फर्म हो जाएंगे। पहली चीज़ होगी, 10 नंबर मैंने आपको कन्फर्म कर दिए हैं। अब बात करते हैं जो सवालात हैं वो आपने क्या करने हैं, चैप्टर कौन से करके जाने, कौन से छोड़ के जाने। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 ये आपने करने हैं। चैप्टर नंबर 4 के जो शॉर्ट सवालात हैं ना, वो आपने याद कर जाने हैं। पहले चैप्टर में से लोगों का आएगा बेटा, चैप्टर नंबर 3 में से लोगों का आएगा और चैप्टर नंबर 5 में से। सिंपल, आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 इनके लॉन्ग याद करने हैं, बाकी आप लोग लॉन्ग में स्किप कर दो। अब लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं 9th क्लास की बुक आप लोगों की, वो इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से लॉन्ग सवाल करने वाले हैं, कौन कौन से आपने छोड़ने हैं। सो पहला चैप्टर है जी कंप्यूटर साइंस का। पहला चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ, पहले चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करने वाली हैं। सो बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी तमाम बच्चे इस चैनल डी एस स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाजमी सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप लोगों को मिल जाए। सो ये दोनों काम आपने लाजमी कर देने हैं। और चलिए हम आपको बताता हूँ कि चैप्टर्स के अंदर से आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो पहला चैप्टर है, जी इसमें जो चीज़ें आपने करनी हैं वो डिफाइन अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, 5WS क्या है ये आपने करना है, डिवाइड एंड कंकर, प्रोटोटाइप, एक्टिट आउट, व्हाट इज कैंडिड सॉल्यूशन, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, ठीक है, फ्लो चार्ट के सिंबल्स, ये एमसीक्यूज में आती हैं शॉर्ट या कहीं ना कहीं आएंगे लाजमी। और बेटा यहाँ पे ये कुछ दिए हुए हैं एल्गोरिथम, ठीक है, ये फ्लो चार्ट दिए हुए हैं, आपने ये फ्लो चार्ट लाजमी तौर पे पढ़ के जाने, इनमें से पेपर आता होता है, ये आपने करना है। एल्गोरिथम की डेफिनेशन करनी है, गो टू स्टेटमेंट करनी है, फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, एफिशेंसी ऑफ एल्गोरिथम कैसे बढ़ाई जा सकती है, 3 स्टेप्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के। टेस्ट डेटा की 2-3 किस्में हैं, वैलिड, इनवैलिड और बाउंड्री टेस्ट डेटा, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन की डेफिनेशन, वैलिडेशन के। पहले चैप्टर में से ये करना है आपने, ट्रेस टेबल की डेफिनेशन। दूसरे चैप्टर में ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम वाले हैं ना, इनकी कन्वर्जन आती है, वो कहेगा डेसिमल से जो है वो हेक्सा में जाओ, मतलब बाइनरी से हेक्सा में जाओ, या सनाई से हेक्सा डेसिमल में जाओ, या डेसिमल से बाइनरी में जाओ, इस तरीके से आपको पूछ लेगा, ठीक है। तो आपने इनको इस तरीके से तैयार करना है, हेक्सा डेसिमल की डेफिनेशन, बाइनरी सनाई की डेफिनेशन, ये अपनी डेफिनेशन याद करनी है। मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल ये करनी है, बिट की डेफिनेशन, बाइट की डेफिनेशन आपने ये पढ़नी है। उसके बाद एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है, इनके ट्रुथ टेबल आपने देखने हैं लास्ट में। उसके बाद आइडेंटिटी लॉ आपने देखना है, ठीक है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपने जो चीज़ें करनी है, TCP/IP प्रोटोकॉल, क्लाइंट सर्वर की डेफिनेशन, उसके बाद कनेक्शन कितनी किस्म के होते हैं, 2 पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, टोपोलॉजी एज अ लॉन्ग, ठीक है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के बेसिक अज्जा। तो बेटा ये आपने चीज़ें करनी है, और HTTP, FTP, SMTP इंतहाई इंपॉर्टेंट शोर सवाल आता। तो बेटा ये आप लोगों की 9th क्लास कंप्यूटर की बुक है। चलिए मैं अब आपको इसके लॉन्ग इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो बता। तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो पहला लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ इज़ अ फ्लो चार्ट, व्हाट इज फ्लो चार्ट, हाउ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट आर डिटरमाइंड, हाउ ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स सिंबल। फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट की जरूरियात के तहत कैसे किया जाता है, ठीक है, फ्लो चार्ट की लवाजमात। पहला चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है पहले चैप्टर में से। एक्सप्लेन इन डिटेल डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, ये एक्सप्लेन करना है आपने। व्हाट इज मीन बाय प्लानिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को किस तरीके से प्लान किया जाता है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मीन बाय टेस्ट डाटा, टेस्ट डाटा से क्या मुराद है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग विद एग्जाम्पल, टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस आपने बतानी है एग्जाम्पल के साथ।
Define test data and write its types. Write advantage and disadvantage of algorithm flowchart. Define the flowchart and write node to determine the requirement of flowchart. ठीक है, ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया था भाई, ठीक है, तो अपने एक ही कर लेना यहाँ से ये वाला. What is minimum truth values? ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Define मेमोरी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स. इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट. ये अपने ऑपरेटर एक्सप्लेन करने हैं, इनके ट्रुथ टेबल याद करने हैं. डिस्क्राइब द यूजेस इन नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. What is meant by peer-to-peer network architecture? Explain it. Define data communication की आपने तारीफ करनी है. Explain the main components of communication system. What is meant by physical structure of network? Explain different types of connections. Define topology and explain all of its types. What is TCP and IP protocol? Write a note about any two protocols. तो आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने अभी तक इस बेल को ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया तो बाकी तो बेटा जल्दी से ऑल पे सिलेक्ट कर दें. और बेटा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं करा ना तो काइंडली तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा वीडियो को लाइक लाजमी कर दें यहाँ से, ताकि वीडियो बाकी तमाम बच्चों तक आसानी से पहुँच जाए. ठीक है बेटा, यहाँ से लाइक करना है आपने, अभी कर देना लाइक, क्योंकि बाद में याद रहता भी या नहीं भी रहता. ठीक है, सो लाजमी तौर पर जो है वो इसको लाइक कर दें, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए और आप लोग जो है वो बाकी बच्चों की हेल्प कर दें इसको लाइक करके, बाकी बच्चों तक वीडियो पहुँच जाए. तो भी अगला है, व्हाट इज मीन बाय इंक्रिप्शन. आल्सो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन ऑफ एवरीडे लाइफ. व्हाट इज साइबर क्राइम. एक्सप्लेन इट्स थ्री टाइप्स. उसके बाद है राइट अ नोट ऑन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी पर आपने नोट लिखना है. व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिक्योरिटी. राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस. कंप्यूटर सिक्योरिटी से क्या मतलब है, आपने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी क्या होती है. How would you analyze the personal privacy and security concerns that arises with any use of computational systems? What is meant by fraud and misuse of computer? बेटा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पेपर में लॉन्ग में आता नहीं है. आप लोग ये वाला पोर्शन, तीसरा चैप्टर और पहला चैप्टर, इस पर आपने फोकस करना है. इन्हीं को आपने ज़्यादातर याद करके जाना और इंशाल्लाह आपका पेपर मोस्टली जो है वो इसी में से पूछा जाएगा. ठीक है, तो आपने ये चीज़ें लाजमी तौर पर तैयार करनी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. राइट डाउन द प्रोसीजर टू क्रिएट अ वेब पेज एंड डिस्प्ले इट. उसके बाद है डिस्क्राइब डिफरेंट सॉल्यूशन इन वेब पेज. एक वेब पेज में डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो बताने हैं. हाउ वुड यू ऐड इमेज एंड सेट बैकग्राउंड टू वेब पेज. व्हाट इज एचटीएमएल. एक्सप्लेन डिफरेंट टैग्स यूज इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. एचटीएमएल आपने बताना क्या होती है और डिफरेंट किस्म के टैग्स जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में आप इस्तेमाल करते हैं वो बताना. उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चों को पता चल गया होगा कि भाई हमारे पेपर के लिए क्या चीज़ें हैं, मैं हमने क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें छोड़नी है. सो बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं. बाकी आप सबके लिए बेस्ट विशेज हैं. अल्लाह करे वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, तैयारी की है, अल्लाह पाक उन सबको अच्छे नंबरों से पास कर दे. अल्लाह करे आप लोगों का ये वाला पेपर जो है वो सबसे आसान आ जाए. सो बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट. ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर की वीडियोस भी आप लोगों को फॉरन मिल जाएंगी. सो इन चीज़ों को लाजमी रिवाइज करके जाएगा, आपका पेपर अच्छा अच्छा हो जाएगा. सो वीडियो पसंद आई है बेटा लाइक कर देनी है, अभी लाइक कर दें. और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना, जल्दी बेटा सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दें, ताकि अगले पेपर की वीडियोज़ आपको मिल जाएँ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल दी एंड खुदा हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.